हेलो दोस्त, बधाई और शुभकामनाएं। तो आज एक लोगों का शिकायत खत्म हो गया होगा कि सरकारी नौकरी पाने में कितना आसान तरीका है। ये आरआरबी मुंबई में देखें, एलपी एंड टेक्नीशियन की पोस्ट कैसे मिली है, क्या कंडीशन है। हालांकि एलपी का कट ऑफ बहुत हाई गया था, लेकिन आरआरबी ने बोल दिया है कि ये लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल है। हो सकता है कुछ लोगों का नाम अभी भी आएगा मेडिकल के बाद, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आरआरबी ने बोल दिया है कि ये लास्ट पैनल है एलपी एंड टेक्नीशियन का। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी और पैनल आएगा जब आगे कंडीशन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम पूरी एनालिसिस में देखेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है और बहुत सारा सीट खाली भी रह गया है। क्योंकि अगर हम आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो 456 एलपी की पोस्ट थी और 683 आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट थी। दोनों को मिला देंगे तो 1139 कैंडिडेट यहाँ पे आने बाक टोटल थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कहें तो टोटल 1200 कुछ ही लोग, 72 या 74 लोग ही गए थे आरआरबी मुंबई में। ये कंडीशन था क्योंकि कई सारी आईटीआई टेक्नीशियन की कैटेगरी खाली थी। उस कैटेगरी में अभी भी बहुत सारा कंडीशन है, जिसमें वेल्डर और कारपेंटर दो तो इंपॉर्टेंट था। साथ में हमें दिख रहा है कि सीएनडब्ल्यू की भी पोस्ट खाली दिख रही है और सारा कई सारा कैटेगरी लगभग लगभग भर गए हैं, लेकिन सीएनडब्ल्यू और कारपेंटर प्लस एलपी की पोस्टें खाली रह गई है। तो ये सारा कंडीशन को देखने के लिए चलेंगे वेबसाइट पे और सारा डिटेल में आपको एक एक चीज़ें की बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वेबसाइट है मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे आपके सबसे ऊपर में ही देखेंगे तो सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/18 एलपी एंड टेक्नीशियन प्रोविजनल पैनल 3 और साथ में लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल। लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल कहने का मतलब ये है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी क्लियर है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी सप्लीमेंट्री नहीं, अब दूसरे पैनल में रिप्लेसमेंट पैनल पे जाएगा आरआरबी। ये भी कहने का मतलब हो सकता है, लेकिन हमें मतलब है कि कितनी पोस्ट थी, कितने कैंडिडेट पोस्ट में आ गए वैकेंसी में। तो चलिए इसको देखने के लिए हम इस पैनल को पहले खोल लेते हैं, पैनल नंबर 3। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा सारा कंडीशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली यह है कि 2 नंबर पोस्ट को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज प्रोविजनल पैनल 3, बिल्कुल सही है। लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल प्रिपेयर्ड कीपिंग दी 1 वैकेंसी खाली रखा गया है फॉर, अगर मेडिकल रिपोर्ट से कोई कैंडिडेट आता है तो उनके लिए 1 वैकेंसी खाली रखी गई है टेक्नीशियन में। तो क्या एलपी में 1 ही रखा गया है या ज़्यादा रखा गया है? तो यानी यहाँ पे आगे अलग अलग नहीं किया हुआ है। अगर एलपी में 1 ही वैकेंसी खाली रखा गया है तो एलपी की मेडिकल में कितने लोग फेल होंगे? तो 168 कैंडिडेट के लिए फेल होंगे। हालांकि इन्होंने मेडिकल की जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन में देखेंगे तो इन्होंने मेडिकल के लिए 75 लोगों को पीसीएमडी के लिए बोला है और साथ में कुछ लोग जो डिविजनल मेडिकल बोर्ड में जो नहीं अप्लाई किए हैं उनका भी इसी में जुड़ जाएगा, अगर 1 ही पोस्ट एलपी की खाली है तब। लेकिन फिर भी हम एक एक डाटा देखेंगे इस पैनल में, क्योंकि भागना नहीं समझने की ज़रूरत है। अब असिस्टेंट लोको पायलट की कैटेगरी नंबर 1 आई है, कुछ इनकी डीएमबीबी से मेडिकल का है, वो सारा देख लीजिएगा बाद में क्लियर होगा। लेकिन 1 नंबर कैटेगरी में अगर देखेंगे तो टोटल 93 लोगों का नाम है। तो इनके लिए भी बधाई, आपको पैनल में जगह मिल गया है। अब उसके बाद एलएपी मैकेनिकल यानी कैटेगरी नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें भी देखिएगा टोटल पोस्टों का संख्या 115 है। तो एलपी की एक एनालिसिस तो बनता ही है। तो पहले में आपका यहाँ पे नाम में आ गया कितने, 93 का, और यहाँ से आ गया 115 का। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5, 3, 8, 9, 1, 10, 208 पोस्ट होता है। पहला पैनल आपने देखा ही होगा, सब लोग देखे हैं, एलपी की फर्स्ट पैनल आई थी, दूसरे में कोई एलपी की पोस्ट नहीं आई थी। तो पहले पैनल में 88 लोगों को इधर से इस वाले के लिए एलपी इलेक्ट्रिकल का और इधर से 103 लोगों का आया था, 191 आया था, और दुर्भाग्यवश 11 लोगों को पैनल में से नाम हटा दिया गया था, यानी यहाँ से 180 कैंडिडेट का नाम आया था। तो 180 और 8 यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 8 यहाँ से 388 कैंडिडेट का यहाँ नाम आया है और पोस्ट कितना है तो 456। बाकी पोस्ट कहाँ गए, एलपी मेडिकल फेल या क्या?
चलिए कंडीशन आएगा समय के साथ क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे यही कंडीशन है। 388 लोगों को पैनल में आया है नाम, और आरआरबी बोल दिया है कि मैं लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर देखें तो 6 में से 8 गया 8 होता है, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 4 में से 8 गया 14 में से 8 5 14 होता है, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कंडीशन देखिएगा तो यहाँ से 456 में से यहाँ कितने कैंडिडेट दिख रहे हैं, तो 388 कैंडिडेट नाम आने के बाद यहाँ पे कितने कैंडिडेट का नाम और पोस्ट दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटल 58 कैंडिडेट का नाम। 58 कैंडिडेट का नाम है, यानी इन जो एलपी की पैनल दी गई है इसमें वेटिंग लिस्ट की बहुत नाम आ गया है, क्लियर है या नहीं है। और 58 ही पोस्ट अगर खाली है, तो अगर मेडिकल में इन्होंने जो नाम दिया है 75 लोगों का, तो उसका भी सम्मिलित हो सकता है, एक अनुमान है। अगर नहीं है तो ये एलपी की वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ क्लियर हो गया कि एलपी की अब कितनी 58 पोस्ट बची हुई है, कितने लोगों का पैनल में नाम आ गया है, तो अगर कहें तो 388 लोगों का नाम आ चुका है आउट ऑफ 456 लोगों का, ठीक है। इसमें डीएमबी के लिए अगर कितने लोगों को गए थे, तो डीएमबी वाला लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फाइनल पीसीएमडी में जो अप्लाई करना था उसके लिए लोगों का संख्या 75 था, इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये संख्या है, तो कम से कम इतने वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गए। अब ये कंडीशन हुआ तो अभी आएगा रिजेक्शन लिस्ट, जो कैंडिडेट का है उसको वेट कर लिया जाए, तब डाटा एग्जेक्ट क्लियर हो जाएगा एलपी का। सीनियर सी बात, एलपी वेटिंग लिस्ट क्लियर। अब दूसरी बात करेंगे, अब टेक्नीशियन की फटाफट बात कर लेते हैं। कैटेगरी नंबर 25, कैटेगरी नंबर 25 में टोटल यहाँ पे 36 लोगों का नाम दिया है, पहले 25 कैटेगरी नंबर 25 में 36 लोगों का नाम दिया है, और पहले पैनल में यहाँ 78 लोगों का नाम था, तो 8, 6, 14 और 7, 3, 10, 7, 3, 10, 1, 11, 114 लोगों का नाम आया है। कह दे रहा है कि पैनल समाप्त हो गया है, यहाँ 214 पोस्ट है, बाकी 100 लोग कहाँ गए इसको भी ढूंढना ज़रूरी है। और कह दें कि आरआरबी मालदा में 1274 या 72 लोगों को बुलाया था यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और टोटल पोस्ट यहाँ पे आपका मुजफ्फरपुर में और 1139 ही पोस्ट था, और एक ही कैटेगरी में 100 लोग अभी नहीं मिल रहे हैं, तो आने दीजिए, हो सकता है आने वाले दिन में पैनल आएगा या खाली वैकेंसी रहेगी, ये क्लियर होगा। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास कैटेगरी दिखता है 31, जिसमें टोटल लोगों का 14 नाम आया है 31 में, और 31 में पहले भी कितने लोगों का नाम आ गया था, तो 11 लोगों का आ गया था, 14-11 अगर आप जोड़ते हैं तो 25 होता है, और टोटल वैकेंसी 27 है, तो दो वैकेंसी आपका 31 नंबर में खाली दिखता है। 34 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ 16 लोगों का नाम है पहले पैनल में, दूसरे मतलब टेक्नीशियन का पहला पैनल और आरआरबी मुजफ्फरपुर का दूसरे पैनल में 29 लोगों का नाम आया था, और यहाँ से मिला दे तो ये होता है 45, और टोटल वैकेंसी है इसमें 48, तो यहाँ तो 3 लोगों का नाम और बच रहा है। इसके बाद अगला हम कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी नंबर 35 में आप देखिए कंडीशन कि 35 में क्या है, तो 35 में यहाँ 13 लोगों का नाम आया है, 35 में 13 लोगों का अभी नाम आया है, 3 लोगों का पहले आया था, 16 लोगों का नाम आया है, और टोटल वैकेंसी 17 था, तो एक वैकेंसी जैसा कि पैरा नंबर 2 में कहा गया है कि खाली रखे हैं कि कोई मेडिकल फिट होगा तो उनको हम लेंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद अगला कैटेगरी नंबर आप देखेंगे तो 47 है, 47 में देखिए यहाँ पे 15 लोगों का नाम है, पहले पैनल में 8 लोगों का नाम था और टोटल पोस्ट 25 थी, तो 15-8 अगर जोड़े तो होता है 23, यहाँ पे 2 पोस्ट अभी भी खाली है। अगले कैटेगरी की बात करेंगे तो हमारे पास 49 नंबर कैटेगरी में हमें 25 लोगों का नाम दिख रहा है, और 49 में पहले 6 लोगों का नाम आ चुका है, 31 लोगों का नाम आ चुका है, टोटल पोस्ट 32 है, एक पोस्ट खाली है। उसके बाद अगला कैटेगरी नंबर 51 में देखिए तो यहाँ पे 25 लोगों का नाम है, पहले पैनल में 9 लोगों का नाम आ गया है, कितना 51 में 9 लोगों का आ गया है, तो 25 और 9 देखिएगा तो 34 होता है, और टोटल वैकेंसी की संख्या 38 है, तो यहाँ 4 लोगों का भी वैकेंट है या आने बाकी है या कोई एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबल होगा ही क्योंकि इलेक्ट्रिकल टीआरडी है तो इसमें होते हैं। 52 नंबर कैटेगरी में देखिएगा तो 22 लोगों का नाम है, तो 52 लोगों का पहले नहीं है था इस पैनल में, सेकंड पैनल में कुछ नहीं आया था, तो इसमें 22 का ही नाम है।
उसके बाद अगले बात हम करेंगे 53 नंबर कैटेगरी की। तो 53 नंबर कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 25 लोगों का 53 नंबर भी में नाम है, और पहले यहाँ पे मात्र 1 लोगों का नाम आया था। 25 एक 26 हो जाएगा और टोटल वैकेंसी 31 है, तो 5 अभी भी हो सकता है, पेंडिंग में है। 61 नंबर कैटेगरी जिसमें 61 नंबर का है, फीटर का है, पहले 5 लोगों का नाम आया था, इस बार 3 आ गया है, टोटल 8 लोगों का नाम आ गया है, 12 वैकेंसी है तो 4 खाली है। उसके बाद अगला पैनल देखेंगे 126 नंबर का, जिसमें पिछले बार में नहीं कुछ आया था, तो इसमें आप देखेंगे 103 नंबर भी एक बीच में है, जिसके पहले पैनल में कोई कैंडिडेट नहीं थे, यहाँ पे 4 लोगों का है। उसके बाद 126 नंबर में टोटल कैंडिडेटों की संख्या 7 है, इसका भी दूसरे मतलब टेक्नीशियन के दूसरे पैनल में कुछ नहीं था, टेक्नीशियन की पहले पैनल और आरआरबी की मुजफ्फरपुर में इसमें कुछ नहीं था, यानी कैटेगरी नंबर 52, कैटेगरी नंबर 103 और कैटेगरी नंबर 126 में इसमें पहली बार पैनल में नाम खुला। उसके बाद पीसीएम टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 134 नंबर में देखिए टोटल 22 लोगों का नाम आया है, पहले पैनल में 51 लोगों का नाम था, टोटल मिला दीजिएगा तो ये होता है 73 और वैकेंसी कितनी है 73 पीसीएम क्लोज। उसके बाद अगला हम 136 नंबर में देखेंगे तो 15 लोगों का नाम है, और 15 लोगों का पहले पैनल में 36 लोगों का नाम था, इसको करते हैं 51 और वैकेंसी कितनी है 51, पीसीएम क्लोज हो चुका है पूरी तरह से, कोई वैकेंसी नहीं बचा है, यानी वेटिंग लिस्ट है, जो कमेंट जरूर कीजिएगा किनका किनका क्लियर है। तो ये पैनल आया है आपका 6 तारीख का मुजफ्फरपुर का, और आरआरबी के अनुसार से लास्ट पैनल है। तो अब पूरी डिटेल में अगर हम देखना चाहें, एक बार देखना चाहें, कुछ डाटा अगर देखना चाहें, तो सबसे पहले दिखा देता हूं कि आरआरबी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी हुआ था 10/6 को, जिसमें आप मैंने बोला आपको कि कितने कैंडिडेट थे, तो 1272 कैंडिडेट थे। पोस्ट यहाँ कितना है टोटल आरआरबी मुजफ्फरपुर में, तो 456 और 683 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये होता है 1139। तो क्या कहें, वेटिंग लिस्ट भी पार हुआ, मेल लिस्ट भी पार हुआ, या वैकेंसी खाली रह गई, एलपी में ही ज़्यादा भीड़ है, जो भी भीड़ है। अगला लिस्ट जो हमारे पास आपको दिखाने वाला हूँ, वो लिस्ट आपका है मेडिकल के लिए 75 लोगों को बुलाया गया था पीसीएमडी में फाइनल अपील करने के लिए। इससे पहले डीएमबी में भी बहुत सारे कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो नहीं गए थे तो उनको पीसीएमडी नहीं दिया गया था। इसके अलावा भी एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट को भी हम अगर कह दें तो ये लिस्ट था जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट बार अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो 74 लोगों का नाम आया था, ये लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल चांस दिया था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा लीजिए। तो ये सारी कंडीशन को देखते हुए अगर हम कहते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर की क्या कंडीशन है, तो एलपी की पैनल में 58 लोगों को पोस्ट आना बाकी है। टेक्नीशियन की टोटल पैनल अगर पहली पैनल में कहें तो 241 लोगों का नाम आया था, आज 244 लोगों का नाम आया है। टेक्नीशियन की बात करें तो 4, 1, 5, 8 और यहां से 485 लोगों का नाम आया है, कितने में, तो यहां वैकेंसी 683 थी। तो टेक्नीशियन में पीसीएम खाली हो गया, तो आईटीआई की पोस्ट खाली भी होगा, और जो बच्चे वालेंगे वेटिंग में होंगे, और कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसमें पोस्ट खाली होने के बाद भी वेटिंग में होंगे, जैसे आपका कैटेगरी नंबर 34 यहाँ पे कैटेगरी नंबर 31, 34, 35, 47, 49, 51, 53, 61, 63 और 134, 136 तो फुल हो ही गया है। तो ये सारे कैटेगरी में कुछ होंगे, तो यहाँ पे अगर कह दे तो टेक्नीशियन में कम से कम 100, यहाँ से देखें 8, 5, 13 में से 5 गया 8 होता है, और यहाँ से देखिएगा तो 8, 7 में से 9, और यहाँ से देखेंगे 6, 1, 5, 5 198 पोस्ट टेक्नीशियन का और करीब करीब 58 पोस्ट एलपी का अभी यहाँ पे खाली है, और हो सकता है कि ये कैंडिडेट भी इतनी नहीं हो, क्योंकि जितनी पोस्ट थी उससे ज़्यादा ये नहीं था, और कुछ मेडिकल वाले का तो वेटिंग लिस्ट की तो यहाँ कितनी क्लियर हुई है आप ही बता सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत क्लियर हुई है, क्योंकि एनालिसिस बता रहा है 1272 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, 1139 टोटल पोस्ट थी। तो बहुत सीट खाली भी है और बहुत सीट आपका वेटिंग लिस्ट में है। खाली रहने वाले में कैटेगरी नंबर 18 भी है, जिसमें 2 लोगों का नाम आया था, 15 पोस्ट थी, कारपेंटर।
उसके अलावा भी, और आपका जो वेल्डर का था इसमें भी दो लोगों का नाम आया है और 15 पोस्ट थी, ये भी खाली गया होगा, एक क्लियर है। वेल्डर और आपका कारपेंटर, दो तो पोस्ट तो क्लियर है, इसके अलावा भी और खाली होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।